जय हिंद। हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो मेन पावर का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को ओवरहेड लाइन से कलेक्ट करते हैं, ओवरहेड लाइन। और कैसे कलेक्ट करते हैं, देखिए अब हम समझते हैं। पिक्चर टू में देखिए, ये दो वायर लगे रहते हैं। ओवरहेड इक्विपमेंट्स में दो वायर लगे रहते हैं, एक है कॉन्टैक्ट वायर, एक है कैटेनरी वायर, ठीक है। अब पिक्चर वन में देखिए, ये है अपना पेंटोग्राफ डिवाइस। पेंटोग्राफ कॉन्टैक्ट वायर के कॉन्टैक्ट में रहता है। यह है कॉन्टैक्ट वायर, इसके कॉन्टैक्ट में पेंटोग्राफ एक डिवाइस है, वो कॉन्टैक्ट में रहता है। और कॉन्टैक्ट वायर में एसी करंट रहता है। अब उस एसी करंट को पेंटोग्राफ ने कलेक्ट करता है। इस एसी करंट को पेंटोग्राफ ने कलेक्ट कर लिया। अब वो कलेक्ट करने के बाद एक डिवाइस लगा रहता है, ये लोकोमोटिव के रूफ लेवल पे एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर। उसको सेंड करता है, पेंटोग्राफ ने एसी करंट को कलेक्ट किया और सर्किट ब्रेकर को सेंड किया। सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि एक्सेस करंट के थ्रू जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को डैमेज कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट करना। मींस मेनली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सर्किट ब्रेकर। और एक और डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है सर्ज अरेस्टर। इसका काम क्या होता है कि लाइटनिंग के वक्त जब एक्सेस करंट जनरेट हो जाता है, उस एक्सेस करंट से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को डैमेज हो सकता है उससे बचाना, ठीक है। आप दो डिवाइसेस का फंक्शन समझ लिए। तो अब हम क्या कहाँ तक पहुँच गए हैं, एसी करंट को हम सर्किट ब्रेकर तक कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब जब सर्किट ब्रेकर, यह है आपका सर्किट ब्रेकर, हम एसी करंट को सर्किट ब्रेकर तक कनेक्ट कर चुके थ्रू पेंटोग्राफ। अब उस सर्किट ब्रेकर से एसी करंट कहाँ पर जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर में जाएगा। यह है आपका ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर उस एसी करंट को रेक्टिफायर को सेंड करेगा। ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है कि उस एसी करंट को डीसी में बदल देता है। और ये डीसी करंट कहाँ जाएगा, इन्वर्टर के पास जाएगा। यह है आपका मेन इन्वर्टर, ठीक है। ये इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी करंट को थ्री फेज एसी में बदल देता है, ठीक है। अब ये थ्री फेज एसी करंट कहाँ जाएगा, आपके ट्रैक्शन मोटर को जाएगा। यह है आपका ट्रैक्शन मोटर, थ्री फेज एसी मोटर, ठीक है। अब थ्री फेज एसी पावर कहाँ चला गया, ट्रैक्शन मोटर के पास चला गया। अब हम समझते हैं कि ट्रैक्शन मोटर कैसे काम करता है। देखिए, ट्रैक्शन मोटर में एक पिनियन गियर लगा रहता है, ये छोटा सा गियर होता है पिनियन गियर, और यह है एक्सल। एक्सल में एक गियर लगा रहता है जिसका नाम होता है बुल गियर। यह है व्हील, ठीक है। ये जो ट्रैक्शन मोटर है इसको हम एक्सल के ऊपर फिक्स कर देते हैं। जैसे ये दो टेक्नीशियन एक्सल के ऊपर फिक्स कर रहे हैं। अब पिक्चर टू में देखिए, ये ट्रैक्शन मोटर कम्प्लीटली एक्सल के ऊपर फिक्स हो चुका है। जब एक्सल के ऊपर फिक्स हो जाता है तो ये पिनियन गियर और बुल गियर ये मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब थ्री फेज एसी ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई किया जाता है तो पिनियन गियर रोटेट करना शुरू कर देता है। जब पिनियन गियर रोटेट करेगा तो बुल गियर भी रोटेट करना शुरू कर देगा। जब बुल गियर रोटेट करेगा तो उसके साथ एक्सल अटैच है तो एक्सल भी रोटेट करना शुरू कर देगा। और जब एक्सल रोटेट करना शुरू कर देगा तो व्हील में रोटेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सल और व्हील एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जब व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा तो लोकोमोटिव की तो आगे की तरफ मूव करेगा या पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये है, इस तरह से मेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काम करता है। मोस्टली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव का प्रिंसिपल सेम है। मेन पावर का डिफरेंस है कि हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में जो मेन पावर का सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और डीजल लोकोमोटिव में जो मेन पावर का सोर्स है क्या है, वो डीजल है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव दोनों समझ लिए। और एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, जो डिवाइसेस कुछ लगे रहते हैं ट्रेन के अंदर, जो कूलिंग के लिए या हीटिंग के लिए, ठीक है, या बैटरी चार्ज के लिए, उसको पावर हम ऑक्सिलरी इन्वर्टर के थ्रू देते हैं। ये ऑक्सिलरी इन्वर्टर है, इसके थ्रू हम उनको पावर देते हैं। आई होप कि आपको डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।